जो दूसरी यात्रा है ये निश्चित तौर पे न्याय यात्रा सफल होगी और बिहार में उनका 5 दिन का यात्रा करीब संभावित, तो इस यात्रा से पूरे बिहार में एक नई ऊर्जा जगेगी कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के लोग इससे मजबूत होंगे कि कब वो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कन्वेनर की जो बात चल रही है उसमें तो सभी दल अगर एग्री हो जाते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी कन्वेनर बन सकते हैं। और बिहार कितनी राहुल जी की जो पहली यात्रा हुई थी आपने उससे देखा होगा कि लोगों में किस तरह से उत्साह बढ़ा था और निश्चित तौर पे उस उत्साह का फलाफल भी कांग्रेस को मिला। और ये जो दूसरी यात्रा है ये निश्चित तौर पे न्याय यात्रा सफल होगी और बिहार में उनका 5 दिन का यात्रा करीब संभावित, तो इस यात्रा से पूरे बिहार में एक नई ऊर्जा जगेगी कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के लोग इससे मजबूत होंगे। कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव में है राहुल जी की यात्रा भी, तमाम सीटों चिन्हित हुई हैं उसमें, उसके बाद अभी बहुत ही जल्द उसमें क्लियर होने वाला है कि कौन दल कितने सीटों पे लड़ेगा। 2-4 दिन के अंदर ये फाइनलाइज हो जाएगी कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगा और सहयोगी दल किन किन सीटों पर कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये निश्चित होने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। सवाल है सर कि जेडीयू के लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाने की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन कन्वीनर नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनानी चाहिए ताकि नरेंद्र मोदी से वो सीधा मुकाबला कर सके, क्या आपको लगता है कि ये समय सही है इस तरह की बातें जेडीयू के लोग जो कह रहे हैं? सभी दलों का अपने अपने नेता के प्रति जो उन्माद होती है, जो स्नेह होता है, उसके आलोक में बोलते रहते हैं। ये तो इंडिया गठबंधन जो बनी है, इंडिया गठबंधन के जो सभी सर्वमान्य नेता हैं बैठ करके जब चुनाव बाद उस पर तो स्पष्ट है कि वो तय किया जाएगा कि कब वो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कन्वेनर की जो बात चल रही है उसमें तो सभी दल अगर एग्री हो जाते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी कन्वेनर बन सकते हैं। कि नीतीश कुमार जो है कन्वेनर बने इंडिया का, कांग्रेस ने कभी भी इनकार नहीं किया कि कन्वेनर नहीं बने, सभी दलों की सहमति होती है तो कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं। तो आप लगता है कि चुनाव बाद जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर चर्चा होगी, अभी फिलहाल कन्वेनर पे? फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में कन्वेनर की बात है, कन्वेनर बहुत ही जल्द उनको लगता है कि 2 दिन के अंदर कौन कन्वेनर होंगे ये तय हो जाएगी, उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया में सब लोग लग जाएंगे। प्रतिदिन डेली प्रतिदिन कोई ना कोई बैठकें इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रही है, आज भी एक बैठक हुई है, कल भी फिर कांग्रेस अपना एक बैठक कर रहा है, उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की तत्काल बहुत ही जल्द अगली बैठक 1 हफ्ता के अंदर होने वाली। कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव? ये तो गठबंधन अभी तो इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग की बैठक होने वाली उसमें तय होगा कि कांग्रेस किस स्टेट में कितने सीटों पे लड़ेगा। कांग्रेस तो जदयू और नाचल में अपना उम्मीदवार घोषित कर दे रहा है, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो कैसे कैंडिडेट घोषित कर दे रहे हैं? ऐसा कोई हमें स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से तो बहुत सारी अफवाह भी उड़ती रहती है कि कौन कहाँ पे फैक्ट है। तो ये तो इंडिया गठबंधन में जैसे ही बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा कहाँ से कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। किसी उम्मीदवार को उम्मीदवार किसी को बनाया गया है हो सकता है उसे बैद भी किया जाए। 19 से कम मंजूर होगा या 19 जो मिला था 19 में उतनी सीट पे आप लड़ेंगे? 19 सीट तो हम लोग अगले बार 9 सीट 2019 में जो मिला था सीट उतनी 2009 उससे कम पे भी आप लोग मान लेंगे? जो भी हो तो सीट शेयरिंग के में जो भी फाइनल होगा, सीट शेयरिंग के लिए कमेटी बनी हुई है, आप लोग तय होगा उसमें। कहा जा रहा है कि आपके जो बड़े नेता हैं, विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले हैं और लेटर दिए हैं, 10 सीटों पर दावा कर रहे हैं। दावा तो सभी दल अपने अपने अनुसार जहां से उनको लगता है कि सीट ये हमारी सीट जीत सकते हैं उतने सीटों पर दिया जाता है, वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।